पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 17 और 18 सितंबर को पूरे देश के साथ साथ निवाड़ी जिले में भी स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान का जिले के पुलिस कप्तान तुषार कुमार विद्यार्थी ने कोतवाली परिसर में शुभारंभ किया। पूरे कोतवाली परिसर को स्वच्छ बनाया गया और वृक्षारोपण किया गया। पूरे प्रदेश में हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के पालन में सभी थानों में चौकी में स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण लगाए जाने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी निर्देशों के पालन में आज हमारे यहाँ भी विभिन्न थानों में वृक्षारोपण किया जा रहा है और प्लांट साथ के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये जिले के सभी थानों में सभी जगह ये आयोजित किया जा रहा है। हाँ, 17 और 18 अक्टूबर जहाँ कुछ भी जगह शेष हो जाएंगे तो कल उनको कवर कर लेंगे। 17 और 18 दो दिवसीय कार्यक्रम है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश हैं उन्हीं के निर्देशों के पालन पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं और उसी क्रम में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, आप नए नए आए हैं, पहले तो आपको बधाई। जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं सर? जनता को यही संदेश है कि हम सब जो भी हमारे सामाजिक सौहार्द की बात है, समरसता की बात है, सहिष्णुता की बात है, उसको अपने जीवन में अपनाएं और जब भी कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उसका पुलिस के स्तर पर तो जो भी निराकरण हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन उसका ऐसे व्यक्तियों का, आपराधिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए ताकि जब वो समाज से दूर हो जाएगा उसको जब इस तरह के चीजों को झेलना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से केकेडी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट।